बॉम्बे टॉकीज सर्वेंट्स लाइट्स साउंड कैमरा एक्शन। नमस्ते, आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्मी किस्सों और गानों से भरपूर प्रोग्राम बॉम्बे टॉकीज। आज कुछ बातें, कुछ गीत, कुछ किस्से, कुछ यादें लेकर आए हैं मशहूर गीतकार शैलेंद्र के होनहार बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र। दिनेश जी के साथ इस फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। तो स्वागत है आपका विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में। आज बॉम्बे टॉकीज के नाम से ये एक नया प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। जैसा कि फिल्मों के शौकीन जो हमारे श्रोता जानते होंगे कि बॉम्बे टॉकीज नाम से मुंबई में, यानी उस जमाने की बम्बई में, एक फिल्म स्टूडियो हुआ करता था। देविका रानी और हिमांशु रॉय का ये स्टूडियो था और मुंबई से बहुत दूर कहलाता था उस समय मलाड। हालांकि अभी तो मलाड बहुत हैपनिंग सबर्ब है मुंबई का, और वहाँ ये एक स्टूडियो था, वहाँ फिल्में बना करती थी। वहीं से बहुत से कलाकार भी कहीं ना कहीं बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हुए थे। तो जब इस प्रोग्राम को शुरू करने की बात आई तो हमने सोचा कि चूंकि बातें फिल्मों की ही होनी है तो क्यों ना बॉम्बे टॉकीज ही इसका नाम रखा जाए। अब जब बात फिल्मों की होगी तो जाहिर सी बात है कि बम्बई की बात तो होगी। इसीलिए हम आज के इस प्रोग्राम में शुरुआत बम्बई शहर से ही करेंगे, और इस आज के पहले प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मशहूर और मारूफ गीतकार शैलेंद्र जी के होनहार बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र जी को, और उनसे हमारी जो बातचीत है वो चलेगी। अब बातचीत जो है वो एक गपशप की तरह होगी और इसमें आप भी शामिल हो जाइए। बड़ा अच्छा वक्त है कार्यक्रम का, तो आपका समय बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प तरीके से बीतेगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं शैलेंद्र जी के होनहार बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र जी से। नमस्ते दिनेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मकंदी, बहुत बढ़िया। तो कुछ आपकी यादें हैं बॉम्बे टॉकीज से? बॉम्बे टॉकीज जो स्टूडियो के तो ऐसा नहीं है, लेकिन पुराने बॉम्बे तो, मतलब हम तो पैदा यहीं हुए हैं और जब से होश संभाला है तो बॉम्बे काफी हमने देखा है, घूमे हैं, और उस वक्त का बॉम्बे और आज का बॉम्बे बहुत ज्यादा फर्क है। हमें अभी भी लगता है कि उस वक्त बॉम्बे ज्यादा खूबसूरत था। कम गाड़ियां थी, कम लोग थे। और हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि जब क्वीन ऑफ इंग्लैंड भी आई थी बॉम्बे, उस समय पता नहीं 61 या 62 की बात होगी, तो हम लोग उस वक्त दादर गए हुए थे। वैसे तो रहते थे हम कार में, दादर गए हुए थे कुछ शॉपिंग करने जी, और वहाँ हम लोगों की गाड़ी रोकी गई और हम लोगों ने देखा क्वीन विक्टोरिया को। हम लोगों ने भी वेव आउट किया और उन्होंने वापस वेव किया। अरे वाह, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये सब यादें हैं बॉम्बे के, और खूबसूरत यादें। अब वो आपने जैसे बात की कि हम घूमा करते थे, गाड़ियों में जाते थे, तो उस जमाने की गाड़ियां भी अलग होती थी। वो बड़ी बड़ी सी गाड़ियां या कुछ बहुत छोटी सी गाड़ियां, वो मॉरिस, वो हिंदुस्तान मॉरिस होती थी, शेवरलेट होती थी, और एक खास गाड़ी भी उस समय चला करती थी। बड़े बड़े कलाकारों के साथ हमने भी ये पूरा एक बम्बई का, मैं बम्बई यहाँ कहूँगा, वैसे आजकल नाम इसका मुंबई है, लेकिन हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में ये मुंबई नहीं बम्बई हुआ करता था, तो फिलहाल अभी हम बम्बई ही कहते हैं। तो ये राउंड तो हमने लगा लिया। अब मुझे एक ख्याल आ रहा है दिनेश जी कि उस दौर में ट्राम चला करती थी ना? मतलब हमारे बड़े होते होते ट्राम खत्म हो गई थी, लेकिन दादर तक वो खुदादाद सर्कल जो है दादर का जी जी, वहाँ तक ट्राम आती थी और वो हमने देखी हुई है। तो कभी घूमे हैं आप ट्राम में यहाँ पे? जी नहीं, बॉम्बे में नहीं, लेकिन देखा है आपने ट्राम को। अच्छा, इसीलिए दादर टीटी कहा जाता है उसको।
ट्राम टर्मिनस, ट्राम टर्मिनस कहते हैं, है ना। वो जब हम आए हाँ बम्बई, तब इसको दादर टीटी, जब जो दादर ईस्ट का इलाका है उसको दादर टीटी जब कहा जाता था, तो हमको समझ नहीं आता था कि ये टीटी क्यों कहते हैं। तब बाद में कहीं से पता चला कि भाई ट्राम यहाँ तक चला करती थी, इसलिए इसका एक टर्मिनस होता था यहाँ पे। तो एक होता था दादर बीबी, जो बोरी बंदर वाली लाइन जो आती थी जी, बोरी बंदर यानी कि जो अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जी सीएसटी है, वो पहले बोरी बंदर और वीटी कहलाता था जी, विक्टोरिया टर्मिनस। हाँ, उसके बाद उसके पहले वीटी कहलाता था, विक्टोरिया टर्मिनस जी। तो उस लाइन की गाड़ियां जिस एरिया से चलती थी तो दादर बीबी कहा जाता था उसको। अच्छा, वो दादर बीबी और एक दादर टीटी था जी। देखिए, हम बातें फिल्मों की करने के लिए बैठे थे और अभी मुंबई की या बम्बई की बातें कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं बम्बई की बातों से भी तो बड़ा लुत्फ आता है, बड़ी उत्सुकता रहती है बम्बई को जानने की उनको भी। पढ़ते कहाँ थे आप रहते तो खार में थे ना जी उस वक्त। बाबा पहले तो लालबाग में रहते थे, मतलब जो रेलवे क्वार्टर्स में उनका एक रूम था लालबाग, जहाँ के गणपति बड़े फेमस हैं आजकल, जहाँ पे लालबाग का राजा कहा जाता है। वहां से फिर जैसे ही मतलब फिल्मों में थोड़ा उनका नाम होने लगा, और फिर आए माहिम में, और माहिम से फिर खार में हेमंत कुमार रहते थे मकान में, मतलब किराएदार थे, किराए के मकान में रहते थे। तो उन्होंने जब बगल वाला प्लॉट खरीद के अपना बंगला बनाया तो उन्होंने बाबा से कहा कि तुम क्यों नहीं रहते हो इस मकान में आकर, जिसमें वो किराए पे रहते थे जी। हाँ, उस मकान का नाम था पार्वती सदन, वो उस वक्त 14th A Road कहलाता था, अब अहिंसा मार्ग। हाँ, जी जी जी, वो जो गार्डन के उधर पे है जो जी, और मैं वहीं पैदा हुआ था। अच्छा 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 जी। तो उस वक्त बाबा ने इसलिए खार चुना था क्योंकि उनको ऐसी जगह चाहिए थी कि सिर्फ जिनको काम हो वही उनके घर आए। अच्छा, मतलब वो दूर होता था उस समय, डिस्टेंट सबर्ब जिसको बोलते हैं, वो खार उस वक्त डिस्टेंट सबर्ब कहलाता था। मतलब जैसे आजकल दहिसर मीरा रोड वगैरह है, वैसे उस समय खार होता था बिल्कुल। और मेन बॉम्बे तो माहिम से शुरू होता था। अच्छा। माहिम से लेके उस वक्त वो नारिमन पॉइंट नहीं था, समुद्र में मिट्टी की भरनी करके वो रिक्लेमेशन किया गया है, तो उसके बाद नारिमन पॉइंट बना। माहिम में एक पुलिस का चेक पोस्ट हुआ करता था जी, एक्चुअली कस्टम्स का चेक पोस्ट हुआ करता था। बचपन की यादें बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि हमारे घर से खाली प्लॉट था और वहां से हमको समुन्द्र दिखाई देता था जी। मतलब इतना एकदम खाली था उस जमाने में, एकदम बिल्कुल बिल्कुल खाली था। आज भी अभी कभी आप लिंकिंग रोड की तरफ आए तो हम आपको वहाँ कुछ एक मकान है आपको दिखा सकते हैं जिसका नाम है सी व्यू, और वो सिर्फ 2 मंजिला मकान है जी। जी, मतलब सी व्यू रखा था 2 मंजिले मकान में, यानी वहां से सी नजर आता रहा होगा जी। जी, तो अब तो खार बहुत ही पॉश और बहुत बड़ा एरिया माना जाता है जी जी, और उस टाइम पे बाबा ने खरीदा था कि शांति है काफी, और आप विश्वास नहीं करेंगे बट उस रास्ते पर जिस पर बंगला दिया था बाबा ने, जो 9th Road कहलाता था, वो लिंकिंग रोड पर लगा हुआ रास्ता था। तो हमारा जो बंगलो जब बाबा ने खरीदा था लिंकिंग रोड से लगा हुआ था। बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने जब बात की थी कि हम लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे बाबा और हमारी फैमिली, तब काफी नाम हो चुका था बाबा का, और उस समय मधुमती फिल्म के गाने वो लिख रहे थे जी। और एक शाम को जब वो वापस आए, कुछ ऐसा हाल था कि ड्राइवर को उनकी मदद करनी पड़ी उनको अंदर लाने के लिए,
डॉक्टर आरके से आए होंगे, और हमारे बिल्कुल बगल में रहते थे हेमंत कुमार जी, मशहूर गायक और संगीतकार जी, और तो उनकी फैमिली बैल्कनी में खड़ी हुई, उनके बंगले में बैल्कनी में खड़ी हुई, वो उन्होंने हंस दिया बाबा पर, तो बाबा ने वो नोटिस किया कि ये लोग हंस रहे हैं हमारी हालत पर। तो अगले दिन उन्होंने सुबह वो हमेशा सुबह सुबह गाना लिखते थे, तो सुबह उन्होंने गाना लिखा। बहुत अच्छी बात, देखिए इस तरह से ऐसे किस्से निकलते हैं। अब मैं यहाँ आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र किया था रेलवे क्वार्टर्स का, वो रेलवे क्वार्टर्स से शैलेंद्र जी का क्या रिश्ता था? रेलवे अप्रेंटिस की नौकरी थी उनकी। अच्छा अच्छा। जो उनकी ट्रेनिंग झांसी में हुई थी हुँ. और वहां से फिर उनको माटुंगा वर्कशॉप बॉम्बे में ट्रांसफर किया गया था। वैसे रहने वाले कहाँ के और मतलब कहाँ जन्म हुआ था शैलेंद्र? देखिए बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत छोटा सा गाँव है अख्तियारपुर नाम, और वो बाबा की डायरी में उनका एड्रेस लिखा हुआ था, इसलिए कुछ साल पहले हम खुद गए क्योंकि बाबा बहुत जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। हमारे दादाजी उधर के रहने वाले थे आरा डिस्ट्रिक्ट में गांव अख्तियारपुर, तो और उनका फिर ट्रांसफर हुआ था मरी नाम की एक जगह है जो पाकिस्तान में एक हिल स्टेशन है अभी। अच्छा। जो उस टाइम पे पार्टीशन के पहले की बात है, बाबा वही रावलपिंडी में पैदा हुए थे। ताऊ जी जो बाबा के बड़े भाई साहब जो थे उनकी नौकरी थी मथुरा में, तो इसलिए पूरी फैमिली आके मथुरा में बस गई। हमारी माँ झांसी की थी, यानी शैलेंद्र जी की जो पढ़ाई लिखाई हुई वो मथुरा में हुई। मथुरा में हुई। अच्छा। तो बहुत गरीब परिवार था, इतना इतने गरीबी थी कि लड़कों को बोला जाता था कि 15 साल के हो गए और सिगरेट क्यों नहीं पीते, क्योंकि सिगरेट पीने से भूख मरती है। फिर मथुरा से झांसी में अप्रेंटिसशिप किया उन्होंने, और फिर ट्रांसफर हुआ उनका माटुंगा वर्कशॉप बॉम्बे में अप्रेंटिस मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे। तो वो माटुंगा वर्कशॉप में काम करते थे, इसलिए उनको रेलवे का एक रूम मिला हुआ था। माँ भी आ गई थी बॉम्बे, और जैसे शबाना जी की मदर शौकत आजमी, कैसी आजमी साहब की वाइफ, वो उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह वो एक रूम था उनके पास, एक चारपाई के नीचे उनका बसेरा था, वहीं से वो निकाल के चाय बनाती थी और फिर धो के वापस वही पलंग के नीचे रख देती थी। एक कवि सम्मेलन में राजकपूर ने उन्हें सुना था जी। उन्होंने एक जलता है पंजाब जो पार्टीशन के बारे में है कविता उन्होंने सुनाई थी एक जलसे में। जैसे ही खत्म हुई कविता तो ऑडियंस में से राजकपूर आए और उन्होंने बाबा से कहा कि मेरा नाम राजकपूर है, और राजकपूर मैं बता दूं आपको कि राजकपूर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं पृथ्वी राज कपूर का बेटा हूँ और मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आग, मुझे लगता है कि ये कविता तुम्हारी और बाकी भी गाने तुम लिखो मेरी फिल्म। तो बाबा ने बोला वो सब ठीक है लेकिन मेरी कविता बेचने के लिए नहीं लिखता हूँ मैं, और ना ही मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट। तो राज कपूर ने जबरदस्ती अपना कार्ड उनके जेब में डाल दिया कि कोई बात नहीं, जब भी मौका मिले तो हमें जरूर मिलना आके। और वो कार्ड उस पे एड्रेस था जो फेमस महालक्ष्मी है, वहाँ आरके फिल्म्स का ऑफिस वहाँ था, आरके स्टूडियो सब बना नहीं था। शैलेंद्र जी ने जब ये कहा कि मैं फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर फिल्मों में वो आए कैसे और क्यों आए? वो भी एक अजीब गरीब किस्सा है कि हमारी मगर प्रेग्नेंट थी जी, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे और उन्हें वो झांसी भेजना चाहते थे, वो कार्ड उनको दिख गया और याद आया कि ये राज कपूर ने एक फिल्म तो बना ली है और क्यों ना जाके मिले उनसे, तो राज कपूर से मिलने गए। मतलब उस समय भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी? जी नहीं, जी नहीं बिल्कुल। वो गए राज कपूर के पास, कहा कि आपने मुझे पहचाना, तो राज कपूर अपने ऑफिस में बैठे हुए बोला कि बिल्कुल पहचाना, तुम तो वो कवि हो जो फिल्मों में नहीं लिखना चाहता। हाँ, बोले हाँ, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ मदद की जरूरत। तो राज कपूर ने बोला क्या? तो मुझे मेरी वाइफ ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशन है थोड़े और मुझे 500 रुपए चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि
48-49 में 500 रुपए कितनी बड़ी रकम हुआ करती, समझ लीजिए 50,000 हो गए वो, उससे ज्यादा। राज कपूर के मामा जी जो आज भी हैं, विश्व मेहरा उनका नाम है, तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि वो राज कपूर ने अपने पर्स में देखा तो सिर्फ 300 रुपए थे, तो उन्होंने अपने ऑफिस बॉय को भेजा कि बगल वाले ऑफिस में जाओ और बोलो 200 रुपए मैंने मांगे हैं, मैं कल लौटा दूंगा उनको। तो राज साहब के मामा जी जो थे उन्होंने उनको एक तरफ बुलाया और कहा कि तुमने इस आदमी का हुलिया देखा है, कहाँ से लौटाएगा, तुम 500 रुपए ऐसे ही दे रहे हो। तो राज कपूर ने बोला तुम इस बात में दखल मत दो, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, और उन्होंने 500 रुपए बाबा को दे दिए। बाबा वो 500 रुपए लेके बाबा ने कहा कि मैं छोटी नौकरी करता हूँ लेकिन आपके पैसे मैं जरूर लौटा दूंगा और जल्द से जल्द। राज साहब ने बोला आप पहले अपना काम कीजिए फिर जब आना हो। कुछ दिन कुछ हफ्तों बाद बाबा गए और उन्होंने राज साहब को वो 500 रुपए दिए। तो राज कपूर ने 500 रुपए लिए अपने हाथ में और वापस बाबा की जेब में रख दिए और कहा कि तुमने मुझे क्या कोई टूटकोर पठान समझा है कि मैं पैसे दूंगा तुमको और तुम लौटा दोगे और उस पे इंटरेस्ट दोगे, पैसे अपने पास ही रखो। तुम बाबा ने बोला नहीं पर पैसे तो लौटाने हैं, आपसे लिए हैं, आपके पैसे हैं तो लौटाने। राज कपूर ने कहा कि ठीक है लौटाना ही चाहते हो तो मेरी फिल्म बरसात बन रही है जो काफी बन चुकी है, 9 में से 7 गाने बरसात के ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 गाने बचे हैं, वो दोनों गाने तुम 250 रुपए पर गाने के हिसाब से 2 गाने लिख दो। वही मामा जी थी, उन्होंने राज साहब से कहा कि बाकी सब राइटरों को आप 150 रुपए दे रहे हैं, इस आदमी को 250 क्यों। तो राज कपूर ने बोला चुप करो। तरह शुरू हुआ कि पहला गाना हिंदी फिल्मों में फर्स्ट टाइटल सॉन्ग माना जाता है और दूसरा गाना था पतली कमर है तिरछी नजर, जो प्रेमनाथ जी पे पिक्चराइज हुआ था जी। शुरुआत हो गई बरसात से और यहीं से शायद कहना चाहिए कि वो शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और राज कपूर, ये सारी एक टीम थी जो बन गई। नहीं पर अमर कांत जी, मैं एक और बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग किस्सा है। राज कपूर की बरसात ने उस साल शायद सबसे बड़ा बिजनेस किया था, उसका कलेक्शन कुछ 1 करोड़ के आसपास रहा जी। तो उन्होंने फिर वो चाहते थे कि आवारा शुरू करें, तो वो कई बार आते थे उस लाल बाग वाले कमरे में बाबा से मिलने। राज कपूर ने बरसात के बाद ही उनका नाम या तो वो कभी कविराज बोलते थे या पुष्किन बोलते थे, एक बहुत ही फेमस रशियन पोएट हुआ करते थे पुष्किन नाम से। वो आए और वो बोलने लगे कि मैं आवारा नाम की फिल्म बना रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम गाना लिखो। तो बाबा ने कहा कि देखो भैया मैंने आपसे 500 रुपए लिए थे, मैंने 2 गाने लिख दिए, आपके 500 रुपए लौटा दिए और अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, नहीं है। तो राज कपूर ने बोला तुम जानते नहीं हो तुम में क्या टैलेंट है, तुम किस आसानी से गाने लिखते हो, तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम क्यों नहीं इसको फॉलो करते हो। तो बाबा ने बोला नहीं मैं रेलवे की नौकरी नहीं छोड़ू। तो राज कपूर ने बोला अच्छा ठीक है कहानी तो सुन कर सकते हो। बाबा ने फिर आवारा में कई गाने लिखे थे और सभी गाने अगेन आवारा सुपरहिट हुआ था और उसमें एक खास पहली बार एक ड्रीम सीक्वेंस घर आया मेरा पति। तो चलिए अभी ये ड्रीम सीक्वेंस तो आज भी याद किया जाता है, उस दौर में ऐसा ड्रीम सीक्वेंस को फिल्माना भी बहुत बड़ी बात थी। और ये भी हम बता दें अब राज कपूर के पास बहुत पैसे आ गए थे तो उन्होंने जमीन खरीद के आरके स्टूडियोज बनाया। आरके स्टूडियोज में उस वक्त छत भी नहीं कंप्लीट हुई थी उसकी और वहीं वो ड्रीम सीक्वेंस की शूटिंग होती थी और बिना छत के तो रात में ही शूटिंग कर पाते थे वो लोग। इसके बाद शैलेंद्र जी ने शायद मन बना लिया होगा कि अब मुझे फिल्मों में लिखना है। जी बिल्कुल। तो फिर उन्होंने वो रेलवे की नौकरी कब छोड़ी? रेलवे की नौकरी आवारा के रिलीज के बाद, जब आवारा भी सक्सेसफुल हो गई तो राज कपूर ने भी काफी समझाया कि अब ये तुम्हारे लिए अच्छा करियर है, पैसे भी तुम्हें इतने अच्छे मिल रहे हैं, दूसरे
म्यूजिक डायरेक्टर्स भी आगे आने लगे थे और बाबा का काफी नाम होने लगा था जी। तो इसके अलावा फिर और दूसरे संगीतकारों के साथ किस तरह से जुड़ाव हुआ, किस तरह से संपर्क हुआ, फिर और कहां फिर उन्होंने लिखना शुरू किया? जी देखिए, वो इप्टा में जो थे तो सलील चौधरी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उनकी। जी जी, क्योंकि सलील चौधरी खुद भी एक कवि भी थे। कवि थे, बांग्ला भाषा में बहुत लिखा उन्होंने, बहुत बहुत गाने लिखे उन्होंने। जी जी, और वो कविता अच्छी तरह समझते थे और उनका आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से सलील चौधरी, फिर बिमल रॉय को भी इंटरेस्ट था कि ये बहुत अच्छा गीतकार है, तो एक बार जब सलील चौधरी और बिमल रॉय ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे तो सलील चौधरी ने बिमल रॉय से ऐसे ही कहा कि इन दो लाइनों पे पूरी फिल्म बन सकती। तो बिमल रॉय ने बोला ऐसा क्या है, मतलब पूरी स्टोरी लिखी जा सकती है इन दो लाइन। और उसमें कुछ कविता में जहां तक हमें याद है वो 2 बीघा जमीन के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। जी। तो बिमल रॉय ने चैलेंज किया कि ठीक है, तुम एक हफ्ते में मेरे को इन दो लाइनों की एक कहानी सुनाओ। जी। तो सलील चौधरी पहुंचे, 2 बीघा जमीन की कहानी ली। बिमल रॉय ने सोचा कि क्यों ना ये इसको फिल्म बनाए, और सलील चौधरी से पूछा कि गीतकार कौन होगा, तो उन्होंने बोला कि शैलेंद्र। अब उस वक्त से लेके आखिर तक बिमल रॉय की एक सुजाता को छोड़ के बाकी सभी फिल्मों में बाबा ने गीत लिखे। मशहूर गीतकार शैलेंद्र जी के होनहार बेटे दिनेश शंकर शैलेंद्र कुछ किस्से, कुछ यादों के साथ अपने पिता के फिल्मी सफर की कहानी आपको सुना रहे थे। आपसे बातचीत की अमरकांत दुबे ने। अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। बॉम्बे टॉकीज का दूसरा भाग सुनिएगा अगले हफ्ते दिन में 4 बजे। इस प्रोग्राम का टेक्निकल सुपरविजन और एडिटिंग की दिलीप कुलकर्णी ने। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी।